आप सभी लोगों को पीहू किचन में स्वागत है। तो हम लेकर आए बहुत एक हल्दी नाश्ता लौकी का। तो लौकी खाना जो है किसी को पसंद नहीं है, चाहे बड़े हों या चाहे बच्चे हों। तो लौकी का नाश्ता हम बहुत चटपटी और बहुत हेल्थी बनाएंगे कि जो सबको खाने में पसंद आएगा, किसी को पहचान में भी नहीं आएगा कि ये लौकी का नाश्ता है। तो फ्रेंड्स, लौकी खाना तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको क्या क्या बताएँ कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए जो है, तो आप बनाइए लौकी का और सबको खिलाइए, सबको पसंद आएगा। किसी को कि नहीं होगा कि आप लौकी की बनाई हैं। तो हमारी आप रेसिपी देख रहे हैं तो पूरे देखिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लोग करने के लिए मत भूलिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको रोज़ाना नई एक वीडियो आपको देखने के लिए मिले। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, उसके बनाने के लिए हमारा जो है 600 ग्राम लौकी है। तो हम इस लौकी को अच्छे से, इसका छिलका जो है निकालेंगे, एकदम नरम हमें लौकी चाहिए। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हमारी जो लौकी है एकदम नरम है, ताज़ी और नरम चाहिए नाश्ता के लिए। तो देखिए, इसका जो है छिलका हम निकाल दें, देखिए कट करें तो एक भी बीज नहीं लौक रहा है इसके अंदर, एकदम नरम है। तो आपको नाश्ता जब भी बनाइए तो आप नरम लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम छिलका हटा कर इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं। तो कद्दूकस करने के बाद हम इसमें एक कप लिए हैं दही और एक कप है हमारी सूजी। तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं एक कप चना का बेसन। तो चलिए हम कुछ मसाले ले लेते हैं इसमें। तो मसाले में है हमारी आधा चम्मच अजवाइन और एक चिटकी हींग लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम ले लिए हींग और लेंगे हल्दी पाउडर, लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो आप यहाँ पर अगर तीखा खाना है तो आप अलग से भी हरी मिर्च या चाहे लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम तीखा नहीं बना रहे हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं खाने के लिए। सुबह का नाश्ता है या टिफिन में दीजिए या चाहे चाय के साथ सुबह में आप नाश्ता भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार ये हमारा हो गया नमक। तो हमें बिना, तो देखिए यहाँ पर हम बिना पानी का अच्छे से हम मिक्स किए हैं। सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे दही और लौकी के साथ, फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा। तो हम मिक्स करने के बाद देखिए, जो है एक कप से हम दही लिए थे उसी कप से हम ले लिए हैं पानी। तो हम अच्छे से पानी को भी और सभी सामानों में मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर पतला बनाना है गोल, पर हमें उस टाइम पानी डायरेक्ट हमें नहीं डालना है। पहले उसके बेसन और दही के साथ मिक्स करने के बाद हम सबसे लास्ट में, जब भी आप बनाइए तो लास्ट में पानी डालिए। तो आपके ज़रूरत के हिसाब से पानी पड़ेगा या बैटर आपका पतला हो जाएगा। तो देखिए जो है, इतना पतला आपको रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले, यार हमारा बैटर तैयार है, तो अब चलिए हम कढ़ाई रख लेते हैं। तो देखिए, गैस ऑन कर हम अपना कढ़ाई रख दिए हैं। तो जो है 2 चम्मच हमारा उबेल है। तो फ्रेंड्स, लौकी का कोफ्ता भी बनता है, इसका रायता भी बनता है, इसका हलवा भी बनता है, इसकी बर्फ़ी भी बनते हैं। तो आप कोई भी रेसिपी बनाकर खाइए, आपको नुकसान करने वाला नहीं है, आपसे उसके फ़ायदे ही मिलेगा। तो आप भी रेसिपी बनाकर लौकी का खा सकते हैं। तो देखिए, इधर हमारा जो है उबेल गर्म हो गया है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा चम्मच जीरा। तो देखिए, जीरा है जो अच्छे से सुनहरा होने तक हम चटकने देंगे। तो चटकने के बाद हम लेंगे एकदम सबसे जो छोटी वाली राई आती है, तो हम ले लिए हैं यहाँ पर राई आधा चम्मच। तो देखिए जो है, अच्छे से हमें राई भी चटकने के बाद हम जो घोल तैयार किए हैं उसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो हमें अच्छे से यहाँ पर चलाते रहना है, जो गैस का फ्लेम है हमें स्लो कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें लगातार चलाते हुए इसको पकाना है, हमें चलाना मतलब छोड़ना नहीं है। आप रुकिएगा मत बीच में, नहीं नीचे पकड़ लेगा, बेसन है बहुत सॉफ्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ टाइम हो गया है, तो हम यहाँ पर कुछ कटी हुई हरी धनिया ले लेते हैं। तो हमारा जो एकदम पकने में लगेगा 5 से 7 मिनट तक लगेगा। तो आप देख सकते हैं, इधर हमारा 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो ये अच्छे से पक भी गया है और एक जगह जुट भी गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक और मैं बता रही हूँ कि जब भी आप बनाइए तो एक थाली या डिश जो है आप पहले से ही तेल ग्रीसिंग कर कर आप उसको रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए जो है, अगर रेडी नहीं करेंगे तो जो है डो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और अच्छे से सेट नहीं होगा। देखिए जो है, अच्छे से हमारा सेट हो गया है। तो अब हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 10 मिनट हो गया है। तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए ये आपकी चॉइस है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपकी चॉइस है, अगर बड़ा आपको पीस रखना है तो यहाँ पर आप बड़ा भी रख सकते हैं चाहे छोटा रख सकते हैं। तो देखिए जो है हम मीडियम साइज़ का रखे हैं, तो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे बर्फ़ी का सेप। तो देखिए जो है हम बर्फ़ी का सेप कटिंग कर दिए हैं, तो अब इसमें हम भी दो टुकड़ा और बनाएंगे, त्रिकोण काटेंगे कि जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। खाने में तो अच्छा और टेस्टी तो है ही, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये लौकी का बना है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लौकी का कोई रेसिपी बनाइए आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान करने वाला नहीं है। तो चलिए इसके सेकने के लिए हम रख दिए हैं कढ़ाई। जो है हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो हम इसमें बस हल्का एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम लिए हैं यहाँ पर छोटी वाली राई और कढ़ी पत्ता और दो तीन हरी मिर्च। तो हम लंबे में हरी मिर्च कटिंग कर लिए हैं, आपको तीखा खाना है यहाँ पर तो चार पांच ले सकते हैं, हम दो लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ ले लिए हैं हम वाइट वाली खाने वाली तिल। तो हम तिल को भी देखिए अच्छे से चटकने के बाद हम जो नाश्ता बनाए हैं उसको यहाँ पर हम एक एक कर कर यहाँ पर जो है हम सभी नाश्ता को एक एक कर कर हम यहाँ पर सेक लेंगे। तो हम ज़्यादा ऑयल में हम नहीं सेक रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऑयल लगेगा। खाने में जो है सुनहरा है और टेस्टी है और खस्ती है। तो देखिए जो है एक बगल का हमारा सेका गया, तो हम उसको पलट कर अब फिर हम दूसरी बगल सेकते हैं। तो एक एक करके हम इसी तरह अपना है सब अच्छे से सेकेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपका नाश्ता जो है एकदम हल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो है सभी को हम सेक लिए हैं, तो एक थाली हम सजाते हैं खाने के लिए। तो जो है हमारा सुबह का लंच का और नाश्ता हमारा हेल्थी लौकी का तैयार है। आप किसी को खिलाइए, मेहमान को खिलाइए और बच्चों को दीजिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा हमारा जो नाश्ता है लौकी से बना है। तो आप भी खाइए और हमारे कमेंट में बताइए कि हमारी लौकी का रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लोग करने के लिए मत भूलें। मैं मिलूँगी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।